अगर खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर पे आपको रखा जाता है तो परेशान मत होइए, ये वेंटिलेटर अल्लाह, देखिए जिंदगी का लेने वाला अल्लाह है, और वेंटिलेटर पर अगर कोई हमारा रिश्तेदार है तो उम्मीद रखिए अल्लाह से, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह से उम्मीद रखिए। हम कसरत से दुआ करेंगे, बल्कि हमको रोज दुआ करना है कि अल्लाह जो जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा दे। और जो यकीनन लोग परेशान है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, एक हमारा हैदराबाद का मशहूर आर्टिस्ट था, पिक्चरों में काम करते थे जनाब, जिनको लोग अकबर बिन तबर के नाम से जानते थे, जी जी। वो केयर हॉस्पिटल में कई दिन तक वेंटिलेटर पे थे। इत्तेफाक से वो एक हमारे उस जो पिक्चर बनाए थे उसमें आरके मेरे साथ क्रिकेट खेलता था, जी जी, बहुत बरसों पहले, हमारे रहमत बेग साहब हमारे बॉलिंग के कोच थे, वो हम कैंप में थे, तो आरके था, जी जी। आरके मेरे को फोन किया, बोला कि अरे ये अकबर बिन तबर का है, जरा डॉक्टर फैसल बात करो, जो केयर हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टर है डॉक्टर फैसल, अल्लाह उस बच्चे को सलामत रखे, उसमें और फंदे। डॉक्टर फैसल से मैं फोन किया, मेरा डॉक्टर साहब ये क्या है अकबर बिन तबर का, तो डॉक्टर फैसल मेरे को बोले रसद साहब आप साफ बोल रहे मेरे को, मैं डेक्कन मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, लंदन गया था जी जी। मैं अकबर बिन तबर को देखता हूँ, उनकी तबीयत अभी जरा अच्छी है, 100% पे वेंटिलेटर था, 50% पे आ गई असद साहब, और मैं उनको एक इंजेक्शन दिया था, वो इंजेक्शन मेरे को नहीं मिल रहा, मैं पूरा स्टेट देख लिया। मैं बोला भाई ठीक है बिजाओ, मैं हमारे मुश्ताक को बोला कि मियां निकालो, एक ईमेल करेंगे, हमारे सदानंद गौड़ा साहब मरकजी वजीर है उनसे बात करेंगे। तो हमारे मुश्ताक काफी माशाल्लाह अकलमंद है, उन्होंने बोले नहीं साहब एक सिपला का एक साई है, मैं साई का भी शुक्रिया अदा करूंगा इस प्रोग्राम के जरिए कि साई को कहा, साई से कहा साई से बात करिए। मैंने कहा साई ये आपके पास इंजेक्शन है, तो साई ने कहा कि साहब आधे घंटे में आपको इंजेक्शन ला के दे रहा हूं। मैंने मुश्ताक से कहा मुश्ताक पहले जाओ जाके पैसे दे दो, फौरन इंजेक्शन पहुंचाओ डॉक्टर फैसल को जी, ठीक है। अल्लाह अगर किसी की जान बचाना है ना तो अल्लाह जान बचाएगा इंशाल्लाह।